जनपद बहराइच के जरवर रोड थाना परिसर में मौजूद है और जैसा कि आप जानते हैं कि निकट होली का त्यौहार आने वाला है। आज लगभग 3 घंटों तक यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में प्रधान व गणमान्य लोगों के बीच में यहाँ पर हमारे बीच में उप जिलाधिकारी रामजीत मौर्या व नए आगंतुक पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री चंद बहादुर यादव जी भी मेरे बीच में मौजूद हैं। आज इन्होंने काफ़ी बैठक की है और होली त्यौहार को कैसे निपटाया जाए इस पर यहाँ प्रधान और काफ़ी गणमान्य लोगों से चर्चा की है। कैमरामैन थोड़ा नज़दीक आते जाए तो सर भैया, तो होली की सर मैं बधाई देता हूँ आपकी और सर क्या कहना चाहेंगे? आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और क्षेत्रवासियों को भी होली की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जरवल थाने पर जिस कमेटी की बैठक हुई जिसमें क्षेत्र के सभी संभ्रांत व्यक्ति, ग्राम प्रधान, विदेशी पत्रकार बंधु और हमारे सहयोगी शास्त्रीय लोग यहाँ उपस्थित थे, बैठक की गई। वैसे जरवल कस्बे को लोग सेंसिटिव मानते हैं जी, लेकिन मैंने देखा विगत में एक साल से यहाँ पर हूँ जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी लोग शांतप्रिय हैं और अमन पसंद व्यक्ति हैं और सबका सहयोग रहता है। सबके सहयोग से सभी त्यौहार जो कि खुशी से मनाया गया और मैं क्षेत्रवासियों से अपील भी किया हूँ, ये कामना करता हूँ कि सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाएंगे और शासन प्रशासन का भी सहयोग दें। चंद बहादुर यादव जी मेरे बीच में मौजूद है। तो सर पहले तो मैं सर आपका स्वागत करता हूँ कैसर गंज की पावन धरती पर सर, दोनों वाले और सर होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से लिखते क्या कहना चाहेंगे? देखिए एजीएम साहब से भी उनकी बात हुई है, आप देख रही होंगे यहाँ पे कि जो सिस्टम ऑफ परंपरा आज थाना क्षेत्र में 30 मिनट की गई थी, इसमें लगभग थाने क्षेत्र के 80% से ज़्यादा ग्राम प्रधान आए हुए थे। ग्राम प्रधानों से इंडिविजुअल बात की गई है और उनसे होलिका दहन के संबंध में, होली त्यौहार के संबंध में एक अक्षरता सबसे इंडिविजुअल बात की गई है। किसी ने कोई समस्या नहीं बताया है, फिर भी सबको आश्वस्त किया गया है कि कोई इशू आए, कोई समस्या आती है होलिका दहन के जगह को लेकर के या होली खेलने के दिन को लेकर तत्काल हम लोग से संपर्क करें या समय रहते हम लोग को अवगत कराएं, इससे उनको तत्काल निराकरण किया जाएगा। इसी के क्रम में आज इस कमेटी की मीटिंग की गई है, सभी से इंडिविजुअल बात की गई है, सबको अपना मोबाइल नंबर भी दिया गया है, उन लोगों का भी नंबर लिया गया है और गांव वालों से हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। यदि फेसबुक व्हाट्सएप पर कोई ऐसी अवांछनीय चीज़ चलती है तत्काल उसको संज्ञान में लेकर के उसके खिलाफ संबंधित धारावाहिक करके कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर आपके बीच में पुलिस क्षेत्र भाजपा से जीवा मोर्चा के जिला मंत्री सौरभ भैया, आज आप काफ़ी बीच में आपके अधिकारी मौजूद हैं और काफ़ी देर तक बैठक चली, कम शब्दों में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के नए नवागत क्षेत्राधिकारी श्री जंग बहादुर यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जरवल रोड थाने में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें हमारे क्षेत्र के, हमारे कैसरगंज तहसील के SDM साहब आदरणीय श्री रामजीत मौर्या जी, हमारे श्री शिव साहब, सागर के तरीके से शांत रहने वाले ऐसे हमारे ब्रिजेंद्र पटेल जी और जरवल के चौकी इंचार्ज श्री अभय सिंह जी, सभी लोग मौजूद रहे और 80% जो अभी CEO साहब ने बताया कि 80% क्षेत्र के सभी प्रधान आज चौकी थाने प्रांगण में मौजूद थे। सभी लोगों ने, सभी प्रधानों ने यह आश्वासित किया है सभी अधिकारियों की जैसे जिस तरीके से होली हम लोगों के क्षेत्र में मनती चली आ रही थी उसी तरीके से होली मनाई जाएगी और मैं भी जरवल नगर का नागरिक होने के नाते सभी अधिकारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जरवल नगर में सभी हिंदू और मुसलमान सब मिलजुल कर, गले मिलकर, एक दूसरे को रंग लगाकर सभी होली मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में काफ़ी से काफ़ी अधिकारी मौजूद हैं, काफ़ी बैठक देर चली है। मैं अंत में सभी दर्शकों को, लाखों सोशल मीडिया से जुड़े हुए दर्शकों को मैं होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग होली मनाएं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप अपने निकट थाना पुलिस प्रभारी को फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं और आप मुझे भी, मेरा नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं और कोई भी घटना होती, कहीं भी दिक्कत होती तो आप हमें भी अवगत करा सकते हैं। न्यूज़ इंडिया से अशोक मिश्रा, बहराइच। आप देखिए नंदगांव बरसाना में लठमार होली होती है, वृंदावन में भगवान राधा और कृष्ण की, तो ये तो वो त्यौहार मस्ती का, रंगों का, प्रेम का त्यौहार है, इसका भेद है। तो हम लोग होली के दिन गले मिलकर के सारे मतभेद को समाप्त कर देते हैं, तो होली का आज इस अवसर पर ऐसे हमारे अग्रज प्रमोद कुमार गुप्ता जी, संजय राव जी, अर्जुन जयसवाल जी, अंत काश अवस्थी जी, सौरभ प्रसन्न जी, अजय प्रधान जी, अजय प्रधान जी, यहाँ उपस्थित बंधुओं को, सभी प्रधान बंधुओं को मैं
हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको तो देने नहीं चाहिए कि क्योंकि मैं फिर से दे रहा हूँ। जस्टा साहब से अभी मैं कह रहा था कि 50% ये प्रधान आ जाए तो 20 कमेटी का लक्ष्य पूरा हो जाता है। से आए हुए सभी प्रधान विदेशी और सम्मानित नागरिकगण, हमारे वसी जी बहुत ही अच्छी बात अभी कह रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने बात कर हम लोगों को अमल करना चाहिए और ये किसी भी प्रकार से बदरंग ना हो, इसी कामना के साथ हम सभी को इस होली की अग्रिम बधाई देते हैं। धन्यवाद। और अन्य लोग जो बैठे हैं इसमें से कोई बात संज्ञान में आई हो इसी तरह से, या कहीं में कोई चीज़ आई हो या संभावनाएं कोई समझ में आ रही हो तो अपनी बात रख सकते हैं। कोई आदमी आप लोग के साइड में कोई तब का प्रधान कोई विवाद तो नहीं है? हाँ, मतलब इस जगह होगा तो सब जगह ठीक ठाक है, नहीं है। और इस साल भी वही चीज़ होना है कि कोई समस्या ना आए, क्योंकि होली खराब ना हो, होली खराब ना हो पहला काम ये चीज। तो उसी दिन की हम लोग जो काम करते हैं, लोग जानते हैं कि पुलिस देख नहीं रही, पुलिस तीसरी आग की तरह देखती है। और हम लोग वहाँ के साथ प्रेम व्यवहार के साथ होली मिलन का जो त्यौहार होता है, होली का मिल करके होली को मुस्लिम सभी लोग, एक चीज़ और कहूँगा कि नाजायज रंगों का प्रयोग न किया जाए, केवल अबीर गुलाल का ही प्रयोग किया जाए जिससे किसी को तकलीफ ना हो। हमारे मुसलमान भाइयों को घर में जो कैमरा लगवाया था उसी कैमरे में जो है अभी उसकी फोटो आ गई थी। जैसे अपराध जीवन में कभी कभी बनाई जाए उसमें हम लोग भी रहें और स्थान चिन्हित करके कुछ धन की व्यवस्था करके आपस में अगर ये लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा? आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या राय है जी हमारे पीछे बैठे हैं? तो अगर इसमें सभी लोग सही, कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो वो जो है पकड़ में आ जाएगा। तो एक चीज इस पर बात करना था, बाकी हमारे बीच में बहुत से अवस्थी जी हैं तो मैं मीटिंग के माध्यम से। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कभी हमारे प्रधान जी ने बताया जरवल कस्बे में भी टीका टिप्पणी होती रहती है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। इस मीटिंग के माध्यम से मैं उन लोग उसके विरुद्ध कठोर